कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों की सुविधा के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोरोना संकट की इस घड़ी में गरीब आहत ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना को जारी रखा गया। हिमाचल प्रदेश में भी गरीब तबके को इस योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलने से उन्हें राहत मिली है। शिमला जिले के रोहड़ उपमंडल के तहत आने वाले गांवों के लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हमारे को सस्ता राशन मिल रहा है, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे को जो राशन 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ मिला है और सब गरीबों के लिए इसका बहुत फायदा हो रहा है। हम यहाँ पर सोसाइटी में आए, हमारे लिए यहाँ पर 2 किलो चावल और गेहूँ मिल रहे हैं। हम चाहते आगे भी हमारे को इस प्रकार की सुविधा मिले और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। वैश्विक महामारी के इस कठिन समय में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन की ये सुविधा काफी मददगार साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।